नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मंदिर की भव्यता ऐसी कि एक बार जो इसका मॉडल देख लेता है वो देखता ही रह जाता है। मंदिर निर्माण के लिए पूरी दुनिया के लोग चंदा दे रहे हैं, साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर भगवान राम के मंदिर के लिए लोगों से चंदा मांग रहे हैं और लोग अपनी इच्छानुसार बिना किसी किंतु परंतु के राम मंदिर के लिए दिल खोल कर दान भी दे रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद देकर चंदा लेने का एक मामला भोपाल से सामने आया है। अशोक गार्डन पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से दो लोगों से चंदा लिए जाने की रसीद भी जब्त की गई है। शख्स अब तक 202 रुपए का चंदा वसूल चुका है। 202 रुपए का फर्जी चंदा वसूलना कुछ लोगों को बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन यही 202 रुपए कब 2 लाख और फिर 200 लाख हो जाए कोई नहीं जानता था। अशोक गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जो आदमी फर्जी चंदा ले रहा था वो बिलासपुर का रहने वाला है, लेकिन अशोका गार्डन की फ्रेंड कॉलोनी में अपने मामा के यहाँ रहता है, तो प्राइवेट जॉब करता है। उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री यतेंद्र पाल सिंह जादौन ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उनका कहना था कि ये आदमी राम जन्मभूमि संकल्प सोसाइटी के नाम पर लोगों से चंदा ले रहा था, इसके लिए वो फर्जी रसीद भी काट रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेकर चंदा लेने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो माफी मांगने लगा, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी का नाम मनीष है। मनीष ने बताया कि वो अभी सिर्फ दो ही लोगों से चंदा मांग पाया है, जिसमें एक आदमी ने उसको 151 रुपए दिए हैं तो दूसरे ने सिर्फ 51 रुपए। इसके लिए उसने रसीद भी दी है उन लोगों को। पुलिस ने आरोपी के पास से दोनों रसीदों को भी जब्त कर लिया है। सर, राम मंदिर के निर्माण के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा वसूलने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है अशोक गार्डन पुलिस में, क्या है पूरा मामला? अशोक गार्डन थाना अंतर्गत एक कंप्लेंट योगेंद्र पाल सिंह यादव, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया कि वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या की तरफ से विश्व हिंदू परिषद एक अधिकृत संस्था है, जबकि आरोपी मनीष राजपूत द्वारा फर्जी रसीद छपा के राम जन्मभूमि संकल्प परिषद यानी कि मिलते जुलते नाम की एक दो रसीद बनवा के लोगों से निज हितों के लिए धनराशि का संग्रह किया जा रहा है, जिस पर योगेंद्र पाल सिंह यादव जी की शिकायत पर केस रजिस्टर्ड धारा 420 IPC का रजिस्टर्ड किया है। प्रथम दृष्टया आरोपी मनीष राजपूत, जिसके द्वारा अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंदर विभिन्न दुकानदारों से अलग अलग राशि का धन संग्रह निजी हित के लिए राम जन्मभूमि के नाम पर गलत रसीदी छपा के ठीक धन संग्रह किया गया है, जिसमें आज उस शिकायत के आधार पर आरोपी मनीष राजपूत के विरुद्ध धारा 420 बादावी का केस रजिस्टर किया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, पिछले कितने समय से ये अवैध वसूली कर रहा था चंदा वसूली और कितना धन संग्रह ये कर चुका है करीब कुछ? क्योंकि आज ही केस रजिस्टर हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि इस मामले में कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं जो लोगों से राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर धोखाधड़ी कर रहे होंगे। पुलिस को ऐसे लोगों की तलाश कर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि राम मंदिर के लिए मांगे जाने वाले चंदे को बदनाम होने से बचाया जा सके, क्योंकि लगातार कुछ मंदिर विरोधियों के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं कि राम मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ऐसे में मामला गंभीर है और पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, ताकि अगर इस ग्रुप में और भी कई लोग हैं तो उनको सामने लाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट में लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।